मॉम बहुत अपसेट है। चलो आओ आओ, माफी मांगो उनसे। माफी? जाहिर बात है गलती की है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैंने कोई गलती नहीं की। तुम इतनी ढीठ, खुदसर और बदतमीज हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब चल गया पता, अब बताएं, सुना दे जो मेरे लिए सजा है। छोड़ देंगे मुझे भी, जैसे कैम को छोड़ा था? ताने दे रही हो मुझे? एक मामूली सी एमपीए क्या बन गई हो? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। ये शायद भूल रही हो, जिस जगह पे तुम अभी हो वो इसलिए क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, बीवी हो मेरी। इसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है। अच्छी तरह याद है मुझे ये बात, हजार दफा दोहराई जाती है ताकि मुझे भूल ना जाए कि मेरी औकात क्या है। You're testing my patience now. I am testing your patience. यहाँ हर वक्त इस घर में मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जाता है। अच्छा, क्या जुल्म होते रहे हैं इस घर में तुम्हारे साथ? तुमसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, तुम्हें मारा पीटा जाता है, तुम पे पाबंदी लगाई जाती है, तुम्हें किसी ने बुरा भला कहा है? No. एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर की कॉम्प्लेक्सेस नहीं खत्म हो रही। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मॉम के साथ ऐसे बात करोगी। शरोज, आपको ये क्यों नहीं नजर आता कि वो मुझे कितना डिग्रेड करती हैं? तुम्हारी इज्जत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? मैं हमेशा से इज्जतदार थी, आप लोगों को मेरी इज्जत करनी नहीं आई। शट अप! मैं मॉम के बारे में एक और बात भी नहीं सुनूंगा। ये जाहिलों वाली बहस बंद करो, जाओ मॉम से माफी मांगो। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगू? तो तुम माफी नहीं मांगोगी? नो वे। ठीक है, जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उसके साथ इस कमरे में भी नहीं रह सकता। शहरोज, आप मुझसे तभी बात करना जब मेरी माँ की इज्जत करना सीखोगी। इज्जत मैं उनकी करती हूँ, लेकिन अब मैं गलत बात पर चुप नहीं रहूंगी। हर बार मैं नहीं झुकूंगी। कोई गेस्ट है? नहीं, शहरोज साहब ने खाना मंगवाया था। अरे शहरोज, आशु तुम सुबह सुबह आ गए? मैडम, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नो थैंक्स। गुड मॉर्निंग। हाँ, जब कमरा बदल जाए तो सारी रात नींद नहीं आती। ऐसे क्या देख रहे हो? हम एक ही घर में रहते हैं, मुझे पता चल गया था कि तुम रात को गेस्ट रूम में सोए थे। हाँ, बस उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए अलग हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। उसे पता चलना चाहिए कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी माँ है। ऑफ कोर्स, मेरी माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन उसके नाना और नानी हमेशा यही कहते थे, हमने अपने नवासी की ऐसी तरबियत की है, वैसी तरबियत की कि नजर नहीं आ रही। शेरुद, मुझे लगता है कि उसके ट्रेनिंग भी तुम्हें करनी होगी। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी फैमिली को लेट डाउन नहीं करूंगा। आई विल मेक श्योर ये ट्रेनिंग उसे मिले। श्योर।